हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी अम्मी रसोई। और आज मैंने बनाया ये सूखे वाले काले चने। ये नवरात्रों वाले नहीं है जो नवरात्रों में बनते हैं। इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डला है। और ये पूरी के साथ, परांठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सफ़र में ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तेल लिया मैंने, तेल में हींग डाला, जीरा डाली है और थोड़ा सा डालूंगी मैं लहसुन। और उसके बाद मैंने दो प्याज लिए हैं, प्याज को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। और मैंने डाली है इसमें हरी मिर्ची और इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अदरक। आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट डालिए, नहीं तो आप ग्रेट करके डाल सकते हैं फ्रेश अदरक को। और इसको, प्याज को हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने टमाटर डाल दिए इसमें बारीक काट कर। आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं टमाटर प्याज वगैरह की। और इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। इससे कलर और भी अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो ये सब डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है हमें जब तक हमारा तेल अलग ना हो जाए। और ये वाले जो चने हैं ना, ये बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप भी बनाइए ज़रूर एक बारी। ये देखिए मसाला अच्छे से भून सा गया है, ये देखिए तेल अलग आ गया। अब मैंने इसमें बॉयल किए हुए चने डाले हैं, काले चने, और इनको डालिए आप। अब इसमें हमें ना पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सूखे बनाने हैं और मसाला इतना है कि आराम से पक जाएंगे। और इसको कुकर को बंद करके हम इसमें एक विसल आने तक इसको पकाना है हमें। तो एक विसल आने के बाद हम इसको फिर खोलेंगे। और ये देखिए अब हमारे ये चने जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं एकदम खाने के लिए। और अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। आप कसूरी मेथी खाते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इसको। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इस तरह से आप इसको बनाइए और सफ़र में लेकर जाइए, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाइए ज़रूर आप इसको। थैंक यू।